हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल। सो ये लुक मैंने क्रिएट किया था, डांडिया गरबा नाइट कहीं भी करके जा सकते हो। और अगर आप पूरा ऐसे तैयार होना है जस्ट लाइक बोहो स्टाइल में, तो आप इसे तब भी कर सकते हो, किसी भी वेडिंग पार्टी कहीं भी, ठीक है। तो ये लुक बहुत ही अच्छा टर्नड आउट हुआ था। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो पढ़ने में, बट कोई नीड्स ओके, नवरात्रि तो हर साल ही आती है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट करना। मैंने आज ब्लू स्मोकी आई रखी है और बहुत ही ईजी स्टेप में डिटेल में बताया। तो चलिए अब देर ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीन प्रेप करना है, तो क्लींस करके टोनर लगा रही हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से इसको एयर ड्राई करने दूंगी, और उसके बाद अपना सीरम यूज कर रही हूँ। आपने कोई भी मेकअप करना है, स्किन केयर बहुत अच्छे से करना है, तभी आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप अपना पर्पल का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, ड्राई स्किन क्यों ना, तो बस मेरे कहने से लेके देखो एक बार ये, आप ना आके मुझे थैंक यू बोलोगे। बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग ड्यूई वाला मॉइस्चराइजर है, और मेकअप बेस के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। मुझे बहुत पसंद आ रहा है, आजकल मेरा फेवरेट बन गया है। एंड उसके बाद मैं कलर करेक्टिंग कर रही हूँ, स्मैश बॉक्स का कलर करेक्टिंग पॉट है ये, और इससे मैं कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर इसका, बिल्कुल फिंगर से आराम से ये ब्लेंड हो जाता है। और आज ब्लू स्मोकी आई रखी है, तो मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में आराम आराम से दिखाऊंगी, कोई कट कोट ज़्यादा नहीं लगाऊंगी इसमें, ठीक है। और उसके बाद मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, पैक का फाउंडेशन है यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है, और इसको लगा लूंगी मैं। और ये देखो मैं पैक का फाउंडेशन लगाती यार, ब्लेंडिंग वीडियो ही बंद हो गई थी। नेक्स्ट चलिए कंसीलर लगा रही हूँ एल्फ कॉस्मेटिक्स का, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। और फाउंडेशन की ब्लेंडिंग वीडियो में आजकल मैं ब्लेंड करती जाती बट बंद हो गई थी धोखे से, वीडियो कैमरा ऑफ हो गया था, ठीक है। तो अब इसको मैं आराम से अच्छे से टैप टैप करके देखिए ब्लेंड कर ले रही हूँ कंसीलर को, वहीं वहीं बस जहाँ लगाया है, पूरे चेहरे पर नहीं फैलाना होता है। एंड देन आफ्टर मैं अपना बेस जो है सेट करूंगी। छोटू सा मिनी कॉम्पैक्ट है शार्लोट टिल्बरी का, बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है इसकी, एंड बहुत अच्छा वाला कॉम्पैक्ट है, और बिल्कुल पाउडरी और नहीं करता है आपके फेस को, तब भी आपका मेकअप बहुत अच्छे से सेट कर देता है। तो मैंने जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया बस मैं वहीं पे बहुत ही मिनिमल सेट करूंगी। नेक्स्ट बारी आती है कॉन्टोरिंग की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे आपका फेस थोड़ा सा स्कल्प्टेड, थोड़ा सा चिजल एंड डायमेंशन मिल जाता है आपके फेस को। तो मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ चीक्स एंड नोज की, एंड उसके बाद ब्लश करना है। और ये आजकल मेरी बहुत फेवरेट बन गई, सॉरी क्या कर रही हूँ मैं, ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स की न्यू लॉन्च ब्लश ब्लश एंड पैलेट है। एंड इसका ब्लश, ओ माय गॉड, मैं वीडियो में मेंशन करना भूल गया, उससे मैंने क्रीम ब्लश लगाया हुआ था उसके ऊपर लगाया था, बट इसकी पिगमेंटेशन बहुत तगड़ी है यार, देख सकते हो आप वन स्वैप में क्या कवरेज देता है, क्या कलर है। उसके बाद सबको सेट कर लूँगी अपने नेक्स के सेटिंग स्प्रे से, आईब्रो करते हैं वेट एंड वाइल्ड के आईब्रो पैलेट से। और यार ये ब्लश सही में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, अगर इसका पूरा डिटेल रिव्यू देखना आप चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हो मेरे, ठीक है। सो आईब्रो हो गई है हमारी, और दूसरी तरफ के आईब्रो में फटाफट से इसके बाद करके आ जाती हूँ, फिर करेंगे ब्लू स्मोक आई। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक जेल काजल लिया है बढ़िया सा, जिसकी पिगमेंटेशन बहुत जेट ब्लैक है, तो इसको अच्छे से आपको एज अ लाइनर अप्लाई कर लेना है। बहुत ही प्रिसाइज लाइन की जरूरत नहीं, बट हाँ इतनी भी टेढ़ी मेढ़ी मत लगाना कि वो बाद में ब्लेंड ना हो अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा सेट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं होता, ठीक है। सो दोनों साइड में, अगर आप बिगनर हो ना तो दोनों साइड में एक साथ करते हो चला करो स्टेप वाइज मेकअप के, तभी आपका जो मेकअप है ना वो इवन रहेगा, अलग अलग सा नहीं लगेगा, एक आई में अलग एक आई में अलग, ठीक है। तो ये लगा लिया। अब इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड की जो आईब्रो पैलेट थी ना, उसी में जो ब्राउन कलर लाइट वाला, उससे इसको स्मज कर रही हूँ, उस कलर से, वो ब्राउन कलर लेके एक फ्लैट से ब्रश में उससे अपना काजल स्मज कर रही हूँ उसके साथ, जस्ट लिटिल बिट ऑफ, थोड़ा सा स्मोकी क्रिएट करने के लिए। एंड अभी ब्लू भी लगाएंगे इसके बाद हम। तो देखो मैं आराम से, पहले आप देखो कितने आराम से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देना है, सबसे ज़्यादा ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो ही मेकअप अच्छा टर्न आउट होगा, ठीक है। तो ये मैं ब्लेंड 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 बहुत अच्छे से आराम से टाइम लेके ब्लेंड कर रही हूँ। आपको भी टाइम लेके ब्लेंडिंग करनी है, वरना जो हार्श लाइन्स बाद में दिखती हैं बहुत ही बेकार लगती हैं, ठीक है। सो ये देखिए मैंने दोनों आईज पे बराबर बराबर से वो ब्राउन कलर लेके स्मज आउट कर लिया है, अच्छे से ब्लेंड कर लिया है दोनों, ताकि आपस में देखिए एकदम मर्ज से लग रहे हैं अब, ठीक है। और ये आई होप आपको पसंद आए मेरे ट्यूटोरियल। उसके बाद चलिए अपनी स्पॉटलाइट यू कैन बी की पैलेट से मैं डार्क नेवी ब्लू एकदम कलर ले रही हूँ, ठीक है, एक फ्लफी से ब्रश में, और यहाँ पे जस्ट पहले प्लेस कर रही हूँ, ठीक है, पहले फैलाना नहीं है, पहले टैप टैप करके प्लेस कर लेना है, उसके बाद आपको ब्लेंड आउट करना है, ठीक है। तो अब मैं देखिए ब्लेंड कर रही हूँ इनको सबको, आपस में ब्लेंड करूंगी, तब तक ब्लेंड करूंगी जब तक ये सारा एकदम से आपस में सब कुछ मिल ना जाए, ब्लेंडेड सा ना लगे, डिफ्यूज ना लगे कलर, ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छा, इसकी भी पिगमेंटेशन है बहुत अच्छी, आई शेडो पैलेट है यार यू कैन बी की मेरी ये। और इसमें आपको, अगर आप विगनर हो ना, आपको कोई आई शेडो पैलेट चाहिए जिसमें सारे ही कलर्स हों, तो आपको ये ले लो, बस आपका काम हो जाएगा, आपको 10 तरह की पैलेट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए मैंने दोनों आईज पे कर लिया है, एंड
अच्छे से, मैं खूब अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और ब्लेंडिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है स्मोकी आई में, और बहुत ही आराम से एक स्टेप करना है वरना फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लाइट ब्राउन ट्रांजिशन शेड लिया और मैं सभी को एजेस को अपने स्मज आउट कर रही हूँ साथ में, ताकि वो एकदम ब्लेंडेड लगे। एंड नाउ सी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल आई मेकअप हुआ है आज। और अब चलिए काजल लगा लेते हैं। काजल के बाद लोअर लैश लाइन पर मैं वही डार्क ब्राउन शेड अपना है जो स्मज आउट करूंगी, जो मैंने सबसे पहले अपने काजल के साथ स्मज किया था, ठीक है, वही वाला कलर मैं यहाँ पे स्मज आउट कर रही हूँ। और अगर मेरा थोड़ा सा भी ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, मेरे को भी सपोर्ट कर दो थोड़ा यार, मुझसे क्या दिक्कत है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट कर दो भैया, सारे लोग, मेरे को भी मेकअप करना अच्छा लगता है, बताना अच्छा लगता है अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आज मैंने आई मेकअप आपको बहुत ही सलसली आराम से दिखाया है। अब फाइनली मस्कारा लगा रही हूँ फेसेस के अंडा का यहाँ पे, और बाद में करूँगी मैं फॉल्सीज ऐड इसमें, ठीक है, ऑफ कैमरा करूँगी क्योंकि वो बहुत टाइम गेनिंग प्रोसेस होता है। फाइनली यहाँ पे फेसेस के अंडा का जो न्यू लिपस्टिक आई है वो मैंने लगाई है इन द शेड लिविन इट अप, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक शेड है। एंड आईज आज क्योंकि हमने बोल्ड रखी थी तो न्यू लिप्स रखना बहुत ज़रूरी था, सब कुछ बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। फाइनली सेट कर लिया एक बार और बॉबी ब्राउन का हाईलाइटर लगाऊंगी जो कि मेरे लुक में चार चांद लगा देगा, क्योंकि हाईलाइटर के बिना तो बस मेकअप अधूरा है यार, वो ग्लो आएगा नहीं तो मज़ा कैसे आएगा, ठीक है। सो सारे ही पॉइंट्स पर, हाईएस्ट पॉइंट पे, चिन पे, नोज पे, चीक्स पे, मैंने सब जगह अपना हाईलाइटर लगा लिया है। एंड फाइनली माई फेस मेकअप इज डन। चलिए अब एक्सेसरीज वगैरह ऐड करते हैं, एंड हेयर इज माई फाइनल लुक गाइज। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ था। एंड आप इसको कहीं भी डांडिया, गरबा, पार्टी, नाइट कहीं भी करके जा सकते हो, अगर आपको बोहो लुक करना है तो भी आप कर सकते हो इसको, स्पेशली गर्ल्स बहुत आराम से इसको कर सकते हो। मैंने एक एक स्टेप इजिली बताया, और आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। दिल में तो जगा रखना, खुशी तुम्हारी है जब इसी में तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे, वजह जो पूछेगा ये जमाना कोई बहाना बना ही लेंगे। चाहे जो तुम पाए वो तुम ये मेरी फरियाद है, जीने चाहे तुम बिन यारा होना तो बर्बाद है, जब तक ना बन जाए हम उस पल का इंतजार है। तकदीर में तेरा मेरा, तकदीर में तेरा मेरा, ये साथ यहीं तक था। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या तुम्हारा दिल है। सुनाई